श्रीराम एनवायरमेंट एंड सोशल सर्विस एसोसिएशन, फाइट अगेंस्ट कोरोना ग्रुप और चाय संस्कारधानी जबलपुर द्वारा गुलाब सिंह वार्ड और रतन नगर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई और इस अवसर पर लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। साथ ही हर निकलने वाले स्थानीय जनों को प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने की समझाइश दी गई। इस अवसर पर गढ़ा टीआई राकेश तिवारी, तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव और गुलाब सिंह वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष पाठक जी, सक्रिय भाजपा नेता अजय गुप्ता, नितिन भाटिया, श्रीराम एनवायरमेंट सोशल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष सिमरन सिंह शुक्ला, कोषाध्यक्ष अमित शुक्ला, सदस्य ममता राय, बसंत और बड़ी संख्या में स्थानीय जन मौजूद रहे। शाम 7 बजते ही हुटर बजाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। खास बात यह रही कि इस अवसर पर गढ़ा टीआई राकेश तिवारी और तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने भी लोगों को समझाइश दी और संस्था के कार्य की सराहना की। इस अवसर पर अजय गुप्ता द्वारा मास्क वितरण में सहयोग किया गया और लोगों को चाय पिलाकर ये संदेश दिया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अजय गुप्ता द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया गया। रामपुर में एमपीवी के हॉस्पिटल पर लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में कराया जा रहा है, इसकी जानकारी मंडल अध्यक्ष और अजय गुप्ता द्वारा लोगों को दिया गया और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। पूरे एक हफ्ते मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान गुलाब सिंह वार्ड, शक्तिनगर, रतन नगर में किया जा रहा है और शपथ दिलाई जा रही है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना जाने दें। केंद्र का जो संगठन का नेतृत्व है और प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम किया जा रहा है। मास्क लगाने के लिए हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, कोरोना से कैसे बचना उसकी जानकारी हम दे रहे हैं लोगों को। रोको टोको अभियान भी हम गुप्तेश्वर के पास में भी किया हमने, शक्तिनगर चौक पे भी कर रहे हैं, गुप्ता होटल के पास में। मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग मास्क भी लोगों को दे रहे हैं, जो बिना मास्क के उनको दिखाई दे रहे हैं उनको मास्क भी दे रहे हैं और मास्क लगाने के लिए अवेयर भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही विशेष आग्रह पूरी प्रदेश की जनता से है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो मैसेज हम पूरे क्षेत्र की जनता के पास पहुंचा रहे हैं कि मास्क जो है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, और मास्क हमारी सुरक्षा के साथ साथ पूरे परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए मास्क जरूरी है। आप मीडिया के माध्यम से भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो पूरा हमारा परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक विशेष स्थान पर पहुंचा है और दिन प्रतिदिन सबकी समृद्धि, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास विधि पे हम कार्य कर रहे हैं। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों अनेक सेवा कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच के ये कार्य में लगे हुए हैं। अभी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए जो निःशुल्क वैक्सीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा, केंद्र शासन द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, उसमें हर स्वास्थ्य केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पर लोगों को जलपान की व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है, सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रहा है और उसकी सेवाएँ दे रहा है। इसी श्रृंखला में हम यहाँ रतन नगर चौक पे और शक्तिनगर चौक पे भी हमने एक जन जागरण कार्यक्रम चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम जन जागृति में ये बता रहे हैं कि जो आपका सिर्फ इस कोरोना काल में साथी है वो सिर्फ मास्क है। यदि आप कोरोना वैक्सीन के साथ साथ अपना जीवन सुरक्षित समझते हैं तो मास्क भी उतना ही आवश्यक है। आप स्वयं भी जागृत हों और लोगों को भी जागृत करें ताकि इस उज्ज्वल देश के उज्ज्वल भविष्य में आपका साथ रह सके। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना ने एक बार फिर हमारी संस्कारधानी में हमारे देश में दस्तक दे दी है, पर खुशी की बात यह है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारा प्रदेश का नेतृत्व है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके कार्यों के द्वारा हमने बहुत हद तक कोरोना पर अंकुश लगाया है। ये दोबारा फिर कोरोना आ गया है, पर लेकिन हमें एक ही काम करना है कि मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी और टीकाकरण केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित निःशुल्क सरकारी अस्पतालों में और उन सरकारी अस्पतालों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवार्थ एक कैंप लगाया गया है। मेरा रेवा टीवी के माध्यम से आप सभी संस्कारधानी वासियों से यह आग्रह है कि जो भी अपने घर में बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर हैं उनका टीकाकरण अवश्य कराएँ, क्योंकि आने वाले समय में नई गाइडलाइन में 45 से ऊपर वालों का भी टीकाकरण चालू हो जाएगा। और मैं आज ये कार्यक्रम जो रोको टोको अभियान है श्री राम ग्रुप एनवायरमेंट के द्वारा ये रखा गया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ
उनके इस कार्य को भी बधाई देता हूँ। और उनने जो यह कार्य आरंभ किया है, जो जगह जगह पर रोको टोको अभियान है, जिसके तहत राह चलते हुए व्यक्ति को जो मास्क नहीं लगाया है उसको मास्क का वितरण किया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए उसे जागरूक किया जा रहा है। यह एक सेवा कार्य है जो कि श्री राम एनवायरमेंट द्वारा किया जा रहा है और रेवा टीवी द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को किया है। मैं पुनः एक बार संस्कारधानी वासियों को बोलूँगा, मास्क और 2 गज की दूरी, ये 2 बातों का ध्यान रखें और टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण कराना अवश्य है, हर व्यक्ति को टीकाकरण कराना जरूरी है और जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक मास्क बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जबलपुर शहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपाय के मद्देनज़र और शासन की मंशा अनुरूप प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाने का जो कार्य हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मंशा सिर्फ ये है कि आम जन को इस दिशा में सेंसेशन उनको सेंसिटिव बनाना कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और भीड़ भाड़ वाले एरिया में अनावश्यक नहीं जाना है। तो इस तरीके का जागरूकता अभियान है जिसमें स्थानीय जन भी अभी हमारे साथ में है और थाना प्रभारी भी हमारे साथ में है और इस तरीके का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या में धीरे धीरे कमी आए। कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हर चौराहे में हर जगह एक कोरोना के संबंध में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जागरूकता बढ़ाने के से कार्य कर रहे हैं। और आज जो है हमने यहाँ पर लगभग 6 बजे से अभी टाइम तक गुप्ता होटल के सामने शक्तिनगर चौराहे में हमने पब्लिक को मास्क पहनाए हैं और लोगों को जागरूक किया है कि मास्क पहनना है, ज़रूरी दूरी बना के रखें और दुकानें समय पे बंद करें जिससे कि लोगों के मूवमेंट्स कम हो और पब्लिक जो है कम से अधिकतम अपने घर में रहे। और इतवार को जो बंद करने का, रविवार को बंद करने की जो बात है वो उसका मूल कारण ये है, छुट्टी का दिन होने के कारण पब्लिक प्लेस में ज़्यादा इकट्ठी होती है जहाँ संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसके कारण से अवकाश का दिन जो संडे है उसको हफ्ते में एक दिन लॉकडाउन करने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझा रहे हैं। इस कार्य में मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय मंडल है इनके कार्यकर्ता नितिन भाटिया, अपने शिवशंकर पाठक, अजय गुप्ता जी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने अच्छे कंधे से कंधे लगाकर हमारी मदद की। और अब इसके बाद हम अपना अगला कार्यक्रम तहसीलदार के साथ, तहसीलदार श्री श्रीवास्तव के साथ गड़ा बाजार में सायरन बजाने का करने वाले हैं। धन्यवाद।